हाँ फ्रेंड, दिस इज राज। दोस्त, आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट लेके आए हैं जो हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो अदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एक प्रोजेक्ट है, सॉरी दोस्त, एक प्रोजेक्ट है जो हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू नो दैट हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट जो हमारे देश भारत ने एलाइड किया है जापान के साथ में सन 2015 में एलाइड किया है जापान के साथ में, जिसमें ये JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसीज के साथ में एलाइड किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बुलेट ट्रेन के लिए, जो हमारे देश में अभी तक सबसे स्पीड में चलने वाली ट्रेन होगी वो होगी बुलेट ट्रेन, और उसका निर्माण अभी स्टार्ट हुआ है और इस पूरी जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने का जो समय है 7 वर्ष का समय दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। सन 2015 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है जापान के साथ में, जापान की कंपनी जो है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में एलाइड करके जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो बन रहा है महाराष्ट्र से गुजरात तक। महाराष्ट्र में कुर्ला बांद्रा टर्मिनल है एंड जो गुजरात में अहमदाबाद स्टेशन है कालूपुरी नियर टू साबरमती स्टेशन, साबरमती इज द रिवर, सो यहाँ तक गुजरात से महाराष्ट्र तक जो कॉरिडोर है, इस पूरे कॉरिडोर का जो लंबाई है वो 508 किलोमीटर है। और इसके अलावा दोस्त, आप देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 97,636 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मीन्स भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो 50% जो उसका खर्च आएगा वो उसमें सबमिशन करेगा, 50% खर्च को देगा, और जो 50 बाकी के जो 50% है उसमें 25% महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी और 25% गुजरात गवर्नमेंट इंक्लूड करके इस प्रोजेक्ट को भी बनाया जाएगा। एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट इज कंटिन्यू, ये प्रोजेक्ट अभी बन रहा है क्योंकि सन 2022 में इस प्रोजेक्ट को पूरे होने की आशंका है। उसके बाद में बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ हो सकता है इंडिंग 2022 में चलेगा, 2022 में ही बुलेट ट्रेन चलेगा जो हमारे इंडिया की सबसे पहली फास्टेस्ट हाईएस्ट ट्रेन होगी, उसे हम जानेंगे बुलेट ट्रेन के नाम से। इस बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए यहाँ 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो कॉरिडोर बन रहा है, टोटल डिस्टेंस है 508 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बनाने में जो खर्चा आ रहा है उस खर्चा में 140 करोड़ रुपए एक को बनाने के लिए लग रहा है, मतलब 1 किलोमीटर बनाने के लिए 1 किलोमीटर मीन्स 0.1 ये पॉइंट मतलब 1 किलोमीटर बनाने के लिए 140 करोड़ रुपए लग रहा है, 140 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर बनाने के लिए लग रहा है। दोस्त, साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो जापान ने इंडिया के साथ एलाइड करके इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, बुलेट ट्रेन को बना रहा है, उसमें जो जापान है 81% भागीदारी कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। इसके साथ देखो जापान ने 79,165 करोड़ रुपए दिए हैं, कितने साल के लिए, 50 साल के लिए 71,165 करोड़ रुपए 50 वर्ष के लिए दिया है 0.1% ब्याज पे। आप देख रहे हैं कि कितना माइन्यूट ब्याज दिया है, माइन्यूट मीन्स बहुत ही कम, वेरी लीस्ट ब्याज दिया है किसको, भारत सरकार को। इसने जो 79,165 किलोमीटर है, इससे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट है 97,636 करोड़ का,
इसमें 81% जो जापान रिकवर कर रहा है, जापान मदद कर रहा है हमारे इस बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। दोस्तों साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो टोटल डिस्टेंस है वो 508 किलोमीटर है और ये 12 स्टेशन को साथ ही साथ कवर करेगा। 12 स्टेशन मीन्स महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में 12 स्टेशन पड़ेंगे, उस 12 स्टेशन को पूरा रिकवर करेगा। जैसे देखते हैं जो हमारा वर्क है वो गुजरात से चल रहा है, गुजरात से चलते चलते हुए फिर ये सी के रास्ते फिर ये निकलेगा महाराष्ट्र में, समुद्र के रास्ते होते हुए फिर ये महाराष्ट्र में निकलेगा, महाराष्ट्र में समुद्र के रास्ते ये महाराष्ट्र में निकलेगा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें। साथ ही साथ दोस्त देख रहे हैं आप जो हाईएस्ट ट्रेन है स्पीड होगा इस ट्रेन का वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और इसके साथ ही दोस्त 320 किलोमीटर प्रति घंटा जो पैसेंजर के साथ होगा, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया है इसका हाईएस्ट जो इंडिया की हाईएस्ट ट्रेन इसकी स्पीड होगी, लेकिन अगर पैसेंजर के साथ चलेगा तो उसका स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्त अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट टाइम में भारत के पास कौन सी सबसे रफ्तार से सबसे स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेन है वो है आज के समय में वंदे भारत। दोस्तों अगर वंदे भारत की बात करें ये ट्रेन इंजन रहित है, इसमें आधुनिक उपकरण से लैस है, जैसे इसका जो चेयर है वो 180 डिग्री में घूमता है, पढ़ने के लिए ट्यूबलाइट है, टेबल है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसके अलावा उसमें कोई आपातकालीन या इमरजेंसी हो जाने से आप ड्राइवर को फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाने से या कोई अनहैपनिंग हो जाने से आप तुरंत जो ड्राइवर से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों ये देखा गया है कि ये जो कंपार्टमेंट है जो वंदे भारत का कंपार्टमेंट है वंदे भारत का, दोस्तों वंदे भारत कंपार्टमेंट मीन्स जो बोगी है जो बनाया गया है ये चेन्नई में बनाया गया है। दोस्तों चेन्नई में बनाया गया है और ये कंपेयर किया गया है कि यूरोप देश है ब्रिटेन है फ्रांस है उसमें जो ट्रेनें चल रही हैं एट प्रेजेंट टाइम में उससे 40% कम खर्चे में बनाई गई है। ये ट्रेन जो है 40% कम खर्चे में चेन्नई में बनाई गई है और यहाँ से न्यू दिल्ली से फिर ये रवाना की गई है अदर स्टेशनों के लिए। जैसे दोस्तों आपको पता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो एट प्रेजेंट टाइम जो इस समय का समय है वंदे भारत का वो हाईएस्ट स्पीड 160 किलोमीटर रिकवर कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम में, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो इस समय चल रहा है। और इसके अलावा जो इसके फेयर हैं थोड़ा से अपग्रेड हैं नॉर्मल ट्रेन के अलावा, इसमें जो फीस है इसकी जो इसका टिकट्स है वो और ज़्यादा महंगे हैं, इसीलिए लोग बहुत ही कम उसमें सफ़र कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग भी इस काबिल बनिए और उसमें बैठने लायक बनिए, अपने लाइफ में और इम्प्रूव करिए, आगे बढ़िए दोस्त। और ये वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें बेचक दोस्त। थैंक यू, बाय बाय। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई विल सी यू अगेन अनदर वीडियो। थैंक यू बाय दोस्त, बाय बाय।